सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है। माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप है। ये इंडिगो का विमान नहीं है, पुष्पक विमान है और श्री राम की धरती पे उतरा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सबके सपने साकार होंगे। मेरे साथ ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज मेरे संस्थान इंडिगो ने मुझे इस योग्य समझा कि इस महत्वपूर्ण फ्लाइट की कमांड मुझे दी गई है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कप्तान निखिल बख्शी और आपकी केबिन के इंचार्ज स्टेप फॉरवर्ड ये बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे संस्थान के लिए इंडिगो और हम लोगों के लिए जो इस विमान के कर्मी दल है। उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा हमारे साथ सुखद और मंगलमय हो। अपने 35,000 फुट की जगह पर चढ़ेंगे और उच्च ऊंचाइयों पर स्थापित होने के बाद हम आपके पास पुनः आएंगे और आपको वहाँ से मौसम संबंधी जानकारी और उड़ान संबंधी जानकारी सरगत कराएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि अपने स्थान पर बने रहें और यात्रा का आनंद लें। जय श्री राम। जय श्री राम। इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, भगवान ने चाहा, मोदी जी ने चाहा और योगी जी ने चाहा, ये दिन आ गया। ये इंडिगो का विमान नहीं है, पुष्पक विमान है और श्री राम की धरती पर उतरा है। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आज मेरे जीवन का सबसे हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। ऐसा अनुभव हमने जीवन में अनुभव नहीं किया था। अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सपने सपने साकार होंगे।